Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today I'll take up the same question, what is consciousness, okay, which is unanswerable for the scientist. Scientists, they are not able to understand the consciousness, or they don't take this factor into account while experimenting or while studying or while researching. And this is very, very important as far as yogic science is concerned. Now, today in this episode, I would like to emphasize on the fact that most of the people, they have a wrong notion about this consciousness or chetan. They don't seem to understand what is consciousness. Now, whenever I meet people, whenever I meet some masters, some yoga gurus, okay, they have the notion of, about the consciousness, which is that anything in which there is movement, anything in which there is breathing, some movement, that is conscious, that is something known as animate. And anything which does not have any kind of movement, that is dead, that is not conscious, or there is no consciousness in that. But in yogic science, there is a different concept about the concept, which is, I think, the real, you can say, the real philosophy or the real knowledge about consciousness. Now, we'll be exploring into this consciousness, what exactly is consciousness, whether it is only the movement of the objects or any kind of movement, or if movement stops, then consciousness also stops, or that object becomes dead, or what is the reality into this consciousness. Sharma ji, आज हम कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं. एक एपिसोड हम बना चुके हैं कॉन्शियसनेस पे, मगर जिससे भी मैंने बात की है, बहुत से लोग से बात करता हूं मैं, वो ये सोचते हैं कि जिस चीज में भी किसी तरह की हरकत है, मूवमेंट है ना, कुछ सांस ले रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, तो वो कॉन्शियस है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतन है वो. ठीक है, बाकी चीजें वो अचेतन है, जैसे ये लैपटॉप है, कैमरा है, कुर्सी है, टेबल है, ये सारे अनकॉन्शियस है, डेड चीज है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है सिर्फ. ठीक है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज नहीं है. मैं समझता हूँ 99% लोग जो आध्यात्मिक अपने आप को कहते हैं, आध्यात्मिक लाइन में हैं, बहुत टीवी पे बहुत प्रवचन चल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, उनको वो यही कहते हैं कि जिसके अंदर भी हरकत है, कुछ मूवमेंट है, वो तो है जी चेतन, कॉन्शियस. ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, संसारिक जो भी चीजें, वस्तुएं हैं, वो डेड चीजें हैं. ठीक है, मगर मुझको ऐसा लगता है कि योगिक साइंस के मत में ऐसा नहीं है. कॉन्शियसनेस के बारे में है ना, कुछ डिफरेंट होगा. ठीक है, तो इसके इसमें कुछ प्रकाश डालिए. इसमें अगर हमारी योगिक विज्ञान या आध्यात्मिक ये कह रहा है इसमें चेतन के बारे में कि चेतन की अपनी तीन पोजीशन है, चेतन की अपनी तीन पोजीशन है, उसके बारे में पहले बताया जा चुका है. और चेतन की अगर तीन पोजीशन है, तो चेतन अपनी तीनों स्थिति को समझने के लिए उसे तीन तरीके उसने जो अपनाए, तीन प्रकार के. अगर वही चीज पे हम देखें, प्राकृतिक में उसने अपने मूल से हट करके प्राकृतिक में कोई चीज समझने और समझाने के लिए उसने भी तीन रखे ही हैं, जैसे चाहे आप साकार, निराकार और आकार को देखें, या आप समय को जानने के लिए आप वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल को देखें, या आप किसी स्थिति को जानने के लिए जो जगत की स्थिति है उसमें को जानने के लिए आप तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण देखें. तो ये तीन तीन स्थिति जो उसने मूल में है, इसलिए तीन स्थिति समझाने के लिए लाई गई हैं. और जिन लोगों ने
शास्त्र जो अनुभवी जो लोग थे उन्होंने शास्त्र को लिखा है, उनमें से जो अभी व्याख्या कर रहे हैं शायद उनको उस तरीके का अनुभव ना हो, वो अपने अनुमान से बोल रहे हों, इसलिए वो चीज़ें ऐसी सत्संग में लगभग आती हैं कि जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से वो पकड़ लें। तो वो इसमें ये सब चीज़ कभी नहीं गई गई। जड़ और चेतन, अगर जड़ और चेतन दो रखे गए तो तीसरी पोजिशन कहाँ है इसकी? अगर इसमें यहाँ पे रखा है कि हमने मान लिया कि आपने चेतन मान लिया है कि जो जीवित है वो चेतन है बाकी सब जड़ है, तो अगर इसमें तीसरी पोजीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर किसी तरीके का कोई हम अगर पूछ बैठे तो शायद उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि चेतन की जो चेतन लगातार अपनी तीन स्थिति में प्रोसेस में है कि एक स्थिति उसकी साकार है, निराकार है, आकार है। हम साकार बोलते हैं कि जितनी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, देखने में आती हैं, छू करके उनको ठोस पदार्थों को हम साकार कह रहे हैं, और हम उस पदार्थ को जहाँ ठोस की नहीं है और सॉफ्ट है बिल्कुल, या जो चीज़ दिखाई नहीं देती है या जो चीज़ रिक्त, तो हम रिक्त को अक्सर कर हमने शब्द हमें जब कुछ नहीं मिला तो हमने एक शब्द लिया रिक्त, हम उसे रिक्त को जो है ना रिक्त को हम निराकार कहते हैं, तो साकार और निराकार हो गया। हम एक आकार को बहुत पहले से लेके चल रहे हैं आकार को, तो आकार एक ऐसी स्थिति है कि जैसे आकारों में साकार निराकार हो रहा है, भर रहा है और वो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये जो आकार की पोजिशन है ये बहुत ऐसी जटिल प्रक्रिया है आकार की, कि इस आकार के बारे में शास्त्र इसलिए नहीं बात करता, नहीं कोई बात करता, ना कोई सत्संग में बात करता, क्योंकि आकार में हमेशा चेतन जो है वो आकार में प्रोसेस है, तो आकार के प्रोसेस में है। अगर उसका किसी प्रोसेस में कोई लंबा टाइम किसी को मिल गया तो वो अपने उसको जीवन मानने लगता है कि देखिए मेरी उम्र भी तो अभी 71 साल हो गई, तो 71 साल में मैं अपने को 71 साल का जीवन मान रहा हूँ, जबकि मैं लगातार जब से इस चेतन की जैसे मूल है तो हम मूल के ही तो अंश हैं, तो मूल में जब से हम हैं तभी से हम प्रोसेस में हैं, तो हम चेतन के प्रोसेस में हैं, तो हम प्रोसेस में छोटे थे, बड़े हो गए, ये गड़े गए, ख़त्म हो जाए, मर जाएं, फिर उसके बाद में हम बीज रूप बनेंगे, तो हम बहुत सूक्ष्म आकार लेंगे, जितना सूक्ष्म आकार लेंगे कि जिसका पैमाना नापने में बहुत मुश्किल होएगा, हम इतने सूक्ष्म से फिर डेवलप करेंगे, ये बहुत छोटे से बीज, बिल्कुल छोटा सा बीज जिसका आकार ही बहुत छोटा है, ऐसा डेवलप करेंगे, तो इतना वो बीज से हम फिर अपने को साकार साबित कर पाएंगे, निराकार से साकार, साकार से निराकार, इन आकारों में होता है। तो ये जो प्रोसेस है निरंतर प्रोसेस चेतन का ही रहता है, तो ये चीज पकड़नी देखनी पड़ेगी, शरीरों में जाकर के भी देखनी पड़ेगी। इस तो शरीर को अगर किसी साइंटिस्ट ने पकड़ लिया है और वो उसको ढूंढ रहा है कि इसमें सब चीज़ें क्या क्या हैं, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हैं, तो साइंटिस्ट कभी दूसरी पोजीशन में सूक्ष्म शरीर में नहीं ढूंढे उसने, जिससे ये कंट्रोल होता है ये आपका स्थूल शरीर, कभी उसने कारण शरीर में इस चीज़ को नहीं देखा कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे चेतन की प्रक्रिया क्या है। तो चेतन की प्रक्रिया जो लगातार चल रही है वो प्रोसेस में है। जिस दिन ये जो लोग इसे समझते हैं, जो लोग इसके अनुभव में हैं, उनके लिए तो ये आसान चीज़ है, बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि मुश्किल पड़ रही होगी कि ये समझने के लिए कि चेतन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। तो इसलिए ऐसा है नहीं, बाहर नहीं है कोई चीज़, अनुभव में हुआ तो सब कुछ समझ में आता है, बिना अनुभव थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो समझने के लिए आप भी तो हमारे साथ में सत्येंद्र बैठे हुए, तो सत्येंद्र लगातार हमारे साथ रहते हैं और काफ़ी साइंस के बारे में भी अच्छा नॉलेज है, आध्यात्मिक बारे में अच्छा नॉलेज है, तो अपने नॉलेज के हिसाब से ये जो कुछ भी करते हैं तो ये अपने हिसाब से सही ही करते हैं। तो इसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस प्रोसेस प्रक्रिया को आप थोड़ा समझाने का प्रयास करें ताकि लोगों को समझ में आए। ओके,
From the yogic science, we can say that, or one can conclude that consciousness or chetan is something that cannot be defined, because it is being expressed in all the process, and all the processes, the whole process is eternal. Okay, it has never started, it will never end, it is an ongoing process, and in all the processes, okay, the consciousness, the energy of consciousness is involved. Although the consciousness cannot be touched by any process, by any means, it remains as it is, but the quality of consciousness is such that in the presence of this consciousness, all the processes are going on. Whether you are alive or you are dead, you are under consciousness. Consciousness is available. One very important example which is given by Dattatreya Ji Maharaj, he says that consciousness is like a mirror. Just as in the mirror, images are formed, but images cannot touch the mirror, or mirror cannot touch the image. In the same way, all the process, the whole cosmos means a process. Cosmos is not something static thing, a dead thing. It is the ongoing process. So, in the mirror of the consciousness, the whole cosmos is reflected. So, the whole prakriti, the whole cosmos is just a reflection in the consciousness. If one can understand the consciousness as it is, then one can understand this whole cosmos is unreal, and he or she will be able to understand the exact nature of consciousness, how consciousness is involved in all the processes, in the process of sakar, nirakar, and akar also. Okay, so these are the three states in the prakriti, in the atma, okay, and in the presence of consciousness, all the processes keep on happening, keep on going. So this is the ongoing process, but consciousness remains intact. It remains as the witness, always, because it is not the process. In the presence of consciousness, everything else is process, but consciousness remains a witness. It has a witness nature. It has a mirror-like nature. Thank you.